नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ब्रिजभूषण ने शनिवार को पुलिस लाइन में स्थित सभा कक्ष में एसपी सहित अन्य अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्होंने कहा कि थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी को सम्मान देते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जिससे लोगों का पुलिस के प्रति लगाव बढ़े। गरीब, असहाय, आसक्त व महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान कराया जाए। समस्याओं से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उसका निस्तारण करें। नुनहरा थाना क्षेत्र के शाहपुर सिउरी गांव निवासी गुलाब की पत्नी जमानती देवी अपने पुत्र बबलू के साथ बाइक से भावरकोल क्षेत्र के लोहारपुर गांव में अपने मायका आई थी। आज वह घर लौट रही थी। इसी दौरान दोपहर में मछली पुलिस चौकी के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से बाइक में टक्कर लग गया। जमानती बाइक से गिर पड़ी और ट्रक का पिछला पहिया उसे रौंदता हुआ निकल गया। गंभीर रूप से घायल होने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र को हल्की चोटें आईं। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक सहित फरार हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुत्र बबलू की सूचना पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। इस संबंध में चौकी प्रभारी ओमकार नाथ तिवारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर मिलने पर आगे की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए ट्रक चालक की तलाश शुरू की जाएगी। सरकारी अस्पतालों को सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेस पीसीसी सदस्य एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष फरीद अहमद गाजी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। 8वें दिन यात्रा पथरा करहिया होते हुए सेवराई पहुंचा। लोगों को संबोधित करते हुए फरीद अहमद गाजी ने कहा कि बारा, भतौरा, गहमर, करहिया तथा भदौरा आदि जगहों पर सरकारी अस्पतालों की उपेक्षा चिंताजनक है। जिला चिकित्साधिकारी जिलाधिकारी का यह दायित्व है कि निरीक्षण पर इनकी दशा सही कराए। आज के दौर में स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन के साथ ही अन्य सुविधाएं बहाल करने की जरूरत है। तीसरी लहर की क्या तैयारी है, जनता पूछ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बीमार अस्पतालों का इलाज नहीं होगा, मेरी यात्रा जारी रहेगी। भले ही मुझे गाजीपुर से गाजियाबाद जाना पड़े, यात्रा में वंश नारायण, पिंटू कुशवाहा, नसीम, पंकज कुमार, जितेंद्र, वीरेंद्र आदि शामिल रहे। स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ भवन में छात्र नेताओं की बैठक शनिवार को हुई। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने कहा कि स्वर्गीय राजेश्वर सिंह जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित आगमन होना है। उनका महाविद्यालय परिवार के लिए सौभाग्य का विषय है। इसे लेकर कॉलेज प्रशासन के साथ ही महाविद्यालय के छात्र संघ के समस्त पदाधिकारी भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्रक सौंपा जाएगा। बैठक के अंत में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि प्रदेश के मुखिया के आगमन पर महाविद्यालय प्रशासन इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए छात्र संघ प्रतिनिधिमंडल के सम्मान व भेंट वार्ता में अपना सहयोग प्रदान करेगा। इस आशय से संबंधित पत्रक प्राचार्य डॉक्टर समर बहादुर सिंह को सौंपा गया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष अनुज भारती, उपाध्यक्ष उजाला जायसवाल, महामंत्री प्रवीण विश्वकर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय, विज्ञान संकाय प्रतिनिधि नागेंद्र कुशवाहा, कमलेश यादव, दीपक कुमार, प्रवीण पांडे, आकाश तिवारी, रविकांत यादव, कमलेश गुप्ता, अनिल कुमार, राजू पांडे समेत अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। हथिया कुंड के बाद हरियाणा से पानी छोड़े जाने से गंगा के जलस्तर में जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि का क्रम शुरू हो गया है। अनुमान है कि यह जलस्तर अभी और बढ़ाव जारी रहेगा। ऐसे में गंगा की लहरों पर तटवर्ती लोगों की निगाहें पूरी तरह से टिक गई हैं और उन्हें अपनी फसलों के साथ आसियाने की चिंता सताने लगी है। जिले की सीमा से होकर गंगा समेत छोटी बड़ी 9 नदियां गुजरती हैं। जिले का अधिकांश भूभाग गंगा से घिरा हुआ है। कई गांवों की आबादी गंगा के किनारे ही आबाद है, जहां के लोगों के लिए गंगा ही आजीविका का साधन है। लेकिन बरसात शुरू होने पर गंगा के रहने वाले रहवासियों के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे से गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम शुरू हो गया। रात 8 बजे 55.460 सेंटीमीटर, शनिवार की सुबह 8 बजे 56.200 सेंटीमीटर, 10 बजे 56.320 और दिन में 12 बजे 56.440 सेंटीमीटर जलस्तर रहा। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी सुरेंद्र मोहन पटेल ने बताया कि हथिया कुंड बाढ़ हरियाणा से पानी छोड़े जाने से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। अनुमान है कि इसी रफ्तार जलस्तर में वृद्धि का क्रम जारी रह सकता है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।